ओके सो हाँ वो 10th चैप्टर मैंने इसलिए नहीं करवाया कि वो बाद में करवाऊंगा। ओके हाँ बाकी हमारे हो चुके हैं चैप्टर, 10th हम बाद में करेंगे। ओके एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो आज हम करेंगे सर चैप्टर नंबर 12 द ओशंस। ठीक है, एज यू नो कि अर्थ के ऊपर 70% तो क्या है सर, इनफैक्ट 71%, 71% क्या है सर, पानी है। 71% क्या है सर, पानी है। ये वाला कंसेप्ट समझ लो, 71% है सर आपका वाटर, और रिमेनिंग जो 29% है, 29% है, ओके वो है सर लैंड, लैंड मास। तो हमारी बॉडी की भी यही कॉम्पोजिशन है, 71 70% अराउंड 70% पानी है हमारी बॉडी में, बाकी का वो है। ठीक है, तभी हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं अर्थ के ऊपर। ओके बाकी का जो 29% है वो है सर लैंड। ओके तो ये जो 29% है ठीक है, और ये 71% है। ठीक है, आपको पता होगा कि अर्थ की थ्री लेयर्स होती हैं, अर्थ में अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की थ्री लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक होती है क्रस्ट होती है, एक मेंटल होती है, और एक कोर होती है। आपने शायद पढ़ा हो अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी छेड़ी हो तो आपको पता होगा, एक क्रस्ट होती है सर, एक मेंटल होती है सर, और एक कोर होती है सर, लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोर। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि ओशियनिक क्रस्ट किसमें होती है, यानी ओशियंस किसमें होते हैं। ठीक है, ओशियंस किसमें होते हैं सर, क्रस्ट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है सर ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि ओशियंस किसमें बनते हैं, द आंसर इज ओशियनिक क्रस्ट। ओके क्रस्ट का ही एक पार्ट होता है ओशियनिक क्रस्ट। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जिसपे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप जिनको बोलते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एनीवन, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, 7 है, और रिसेंटली अभी एक डिस्कवर हुआ न्यूजीलैंड ही, आपको पता हो अगर, तो 7+8 7+1 हो गए। ओके तो याद रखेंगे 7+1। ओके तो कॉन्टिनेंट्स जो सारे हैं वो सारे किस पे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है। ठीक है, और ओशियनिक क्रस्ट पे क्या है, सारे ओशियंस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ओशियंस के ऊपर है। ठीक है, समुद्र के ऊपर है। अच्छा मेरे को कोई सिंपल सा आंसर बताएगा इसका कि पॉन्ड्स, शायद मैंने बताया था, शायद लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, बताया था मैंने कि सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है, पॉन्ड्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में कि अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा होता है सर पॉन्ड्स, पॉन्ड्स से बड़ा होता है सर लेक, लेक से बड़ा होता है सर सी, ठीक है, और सी से बड़ा होता है सर ओशियन। वेरी गुड वेरी गुड, जोबन प्रीत ने जबरदस्त सर से भी आगे निकल गया, वेरी गुड। सबसे छोटा होते हैं पॉन्ड्स, देन लेक्स, देन सीज, एंड देन ओशियंस। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। मैंने शायद लेक्स की क्लास हमारी हो रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। ओके तो जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होती है और ओशियनिक क्रस्ट भी होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं 7+1 जो जो कि मैंने बताया आपको, ओशियनिक क्रस्ट पे आपके ओशियंस होते हैं। ठीक है, ओशियंस की भी क्रस्ट होती है, ठीक है ना, ओशियंस की भी लेयर होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओशियंस की फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है ओशियंस। ठीक है, सभी देख पा रहे हो, सभी को ये पिक्चर क्लियर है, राइटिंग समझ आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, ऑल क्लियर ना, समझ आ रहा है, यस, ओके ओके ओके। चलो तो देखेंगे सर, ओशियन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अराउंड अबाउट 71% होता है। ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, फॉर फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, साल्ट, अदर मैराइन फूड स्टफ्स। ठीक है, आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा, किस फॉर्म में, आपको फिश मिल जाएगी, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और अदर मैराइन फूड स्टफ्स। ठीक है, कई लोग केंचुए वेंचुए भी खाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, कई कई किसी किसी स्टेट में सी फूड बड़ा फेमस है। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉन्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओशियंस किस लिए यूज होते हैं सर, टाइड्स, जिसको हिंदी में हम ज्वार बोलते हैं, इट हार्नेस टू प्रोवाइड द पावर। टाइड्स से आपको पता हो कि बिजली बनती है हमारी। ठीक है,
टाइड्स हार्नेस्ड टू प्रोवाइड द पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ओशियनोग्राफी आपको पूछ लेगा कि क्या होती है, इट इज अ साइंस ऑफ ओशियंस. ठीक है, ओशियंस के बारे में डिस्कवरी करना, ठीक है, उसको ओशियनोग्राफी बोलते हैं. ग्राफी मीन्स स्टडी होता है बेसिकली. ओके, उसके बाद आता है सर रडार साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस टू फाइंड द प्रिसाइज डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर. आपसे पेपर में पूछा हुआ था, ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रिसाइज डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर. सो द आंसर इज रडार साउंडिंग एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस. देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस. ओके, सो आपको ये याद रखना है, रडार साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस. ठीक है, अच्छा, ओशियन में डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ मिट्टी के कण ले लो, या कुछ पानी के कुछ बने होते हैं, या कुछ भी रॉक्स के बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं. ठीक है, जैसे उनको बोलते हैं ऊजेस. ठीक है, इनके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन वर्जन करेंगे. और मड्स होती हैं, मड्स चीकड़ वगैरह को, क्ले को, चिकनी मिट्टी को. ठीक है, इनमें डिपॉजिट्स होते हैं, किसमें, ओशियन में. ठीक है, तो ये समझ में आया. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज अ सोर्स ऑफ फूड लाइक fish, mammals, reptiles, salt and other marine foodstuffs. And tides harness to provide the power. Okay. Oceanography, science of ocean, radar sounding and electrical eco devices to find the precise depth of the ocean floor. ये ocean floor है, इसमें कितनी गहराई है, इसको नापने के लिए radar sounding use होती है और electrical eco devices use होते हैं. ठीक है, oceanic deposits होते हैं. आपसे पूछ लेगा, तीन चार option दे देगा आपको, तीन चार ऐसे ऐसे words दे देगा. You have to identify कि whether these are oceanic deposits or not. ठीक है, Oozes, muds और clays. Okay. उसके बाद बारी आती है the relief of the ocean. Relief का मतलब क्या है कि ये जो ocean, जो ocean है, समुद्र है, उसके अंदर relief कैसे, उसके अंदर मतलब जो surface है, यानी जो crust part है, उसका structure कैसा है. ठीक है, उसके बारे में discuss करेंगे. वो कहता है कि it is similar to the land surface. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो कह रहा है it is similar to the land surface. जैसे land के ऊपर आपके mountains होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन होता है, उसी तरह से सिमिलरली ओशियंस पे भी इसी तरह का सेम ही रिलीफ स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि देख सकते हैं, इट इज सिमिलर टू द लैंड सरफेस. इट हैज सबमैराइन रिजिस, यानी इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां, दैट प्लेट्यूज, कैनियंस, प्लेन्स एंड ट्रेंचेस. ठीक है, उसमें सबमैराइन रिजिस होंगी, प्लेट्यूज होंगे, कैनियंस होंगे, प्लेन्स होंगे और ट्रेंचेस होंगे. ठीक है, फीचर्स जैसे कि सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपको डायग्राम दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एज यू सी, दिस इज द लैंड सरफेस. ये लैंड है सर. नीचे जैसे ही सी लेवल से बिल्कुल हल्का सा नीचे उतरोगे तो ये आ गई सर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, सबसे पहली आती है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आप कभी आपके घर के आसपास छोटी मोटी नदी होगी या कोई इस तरह का ओशियन टाइप होगा, कुछ समुद्र होगा, कभी समुद्र में गए हो, कभी बड़ा सा समुद्र या ओशियन टाइप कुछ इसमें कभी पैर उतारे हो, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा लेवल आता है, मतलब जहां पे बंदा खड़ा हो सकता है. मूवीज में भी देखा होगा, हीरोइन वहां पे खड़ी होती है तब तक तो ठीक रहता है, जहां वो हल्की सी आगे जाती है तो वो डूबने लगती है. ऐसा देखा होगा मूवीज में, फिर वो जाता है ना हीरो, है ना. वीडियोज में देखो, इवन की देखा भी होगा ओरिजिनल में भी. ठीक है, तो ये जो शुरुआत में होती है इसको सर बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है. जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, उसके बाद ये जो टर्न आता है, यानी कि जब वो नीचे की तरफ, गहराई की तरफ उतरना शुरू होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल एज. ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से समझ लो, सब कुछ अपने आप रट जाएगा. ये लैंड है सर, लैंड जैसे ही खत्म हुई, ठीक है, ये पहले आई सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद यही आई सर कॉन्टिनेंटल एज. ये कॉन्टिनेंटल एज है, उसके बाद नीचे की तरफ वो बढ़ रही है, मतलब गहराई की तरफ, तो इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ डिपॉजिट्स होंगे, ये मड डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, इनको ऊजेस भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं ऊजेस. ठीक है, उसके बाद नीचे गहराई में ये क्या होता है, ओशियन डीप. ठीक है, इसको ट्रेंच भी बोलते हैं, ओशियन डीप को ट्रेंच भी बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. फिर ये ऊजेस हैं, डिपॉजिट्स, क्ले वगैरह डिपॉजिट्स हुई, ये सारा ओशियन है. ये छोटी सी गहराई वाली चीज हो, इसको माइनर ट्रेंच बोलते हैं. और उसके बाद ये आगे सब मैराइन रिज, और ऊपर ये मड देख सकते हो आप, इकट्ठी हुई पड़ी है. ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती क्या है सर. कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज बेसिकली सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. मतलब ये कॉन्टिनेंट आप देख सकते हो, ये लैंड है, इसी की सीवर्ड एक्सटेंशन, मतलब कि समुद्र की तरफ एक्सटेंशन हो रही है. समझे, ये लैंड है सर. सपोज ये लैंड ही थी सारी,
ठीक है, पानी यहाँ भर गया तो ये एक तरह से सीवर्ड एक्सटेंशन, मतलब ये आगे एक्सटेंड होती रही क्योंकि इस पर डिपोजिशन होती रही। आपको बताया था मैंने कि जब रिवर्स हमने जब रिवर्स लैंडफॉर्म्स करी थी तो रिवर्स जब काटती हैं पहाड़ों को काट के लेके आती हैं तो कुछ डिपोजिट्स कर देती है ना, कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। तो उनकी डिपोजिशन की वजह से वो जो उसकी लैंड है उसकी सीवर्ड एक्सटेंशन फर्दर होती रहती है। जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज, कॉन्टिनेंटल एज तक। शोर लाइन, ये शोर लाइन यानी नदी का जो तट होता है उसको शोर लाइन बोलते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? कॉन्टिनेंटल एज तक, ठीक है। इट इज अ शैलो प्लेटफॉर्म, विड्थ वेरीज ग्रेटली। वो कहता है कि शैलो प्लेटफॉर्म होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप खड़े होते हो, जहां तक खतरा नहीं होता। जहां आप कॉन्टिनेंटल एज से आगे उतरे उतनी गहराई में उतरते जाओगे, ठीक है, और फिर ज्यादा गहराई में उतर गए तो फिर आप ऊपर की तरफ उतर जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा आप, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। तो आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड की बेइज्जती करने के लिए, कि उसको कहोगे कि भाई ऐसा है, ज्यादा बोले ना तो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे धक्का दे देंगे और फिर जाके सीधा गिरोगे ओशियन डीप में, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच, वेरी फेमस पैसिफिक ओशियन में, अभी बताएंगे आपको उसके बारे में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट बेइज्जती, ठीक है। एनीवेज कम टू द टॉपिक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज बेसिकली सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज, कॉन्टिनेंटल एज तक। इट इज अ शैलो प्लेटफॉर्म, विड्थ वेरीज ग्रेटली। वो कहते हैं इसकी जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो वेरी करती है, मतलब किसी ओशियन की विड्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कितनी होगी, कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ओके। लाइक वेयर कोस्ट्स आर एक्सट्रीमली माउंटेनियस, सच एज रॉकी माउंटेन, इंडियन कोस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर इंटायरली एब्सेंट। वो कह रहा है कि जहां पे कोस्ट बहुत ज्यादा माउंटेनियस होगी, मतलब इस तरह से माउंटेन्स बने होंगे, ठीक है, वहां पे वो कहता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कई बार एब्सेंट भी होगी। मतलब कई बार देखा होगा आपने, सीधा ही प्लेटफॉर्म होता नहीं है, बिल्कुल सीधा ही डुबकी लग जाती है, ठीक है ना। मतलब हीरोइन को लगता है कि हाँ आगे शेल्फ होगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लेकिन वो चलती है तो जैसी पानी में घुसती है और वो सीधा डुबकी, ठीक है। तो इट्स फॉर्मेशन इज बाय थ्री रीजन। वो कहता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी बनने के तीन रीजन है। पहला सर, कॉन्टिनेंटल सबमर्ज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है। अब सी लेवल राइज होता गया और ये कॉन्टिनेंट क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। अब सी लेवल राइज कैसे होगा? अब सपोज करो आइस एज थी, ठीक है, आइस एज में ग्लेशियर्स वगैरह थे, बर्फ के पहाड़ थे, बर्फ के पहाड़ कहते हैं जब पिघल गए तो उससे क्या हो गया? सी लेवल क्या हो गया? आपका राइज हो गया, तो उससे क्या हो गया? सी लेवल राइज हो गया और जो कॉन्टिनेंट था वो क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। तो वो कहते हैं कई बार कि इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने के क्या कारण है? पहला कारण क्या है कि कॉन्टिनेंटल सबमर्ज हो गए, जैसे कि लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल सबमर्ज बिकॉज ऑफ द राइज इन सी लेवल। आइस एज के टाइम पे टेम्परेट लैटिट्यूड में, याद रखना कि जो आइस एज थी आपके टेम्परेट लैटिट्यूड में ज्यादा एफिशियंट थी क्योंकि वहां पर ठंडा मौसम होता है, ओके। एनीवेज आइस मेल्टेड एंड विच लेट टू रेज द सी लेवल, जिससे क्या हुआ? सी लेवल रेज हो गया। पहला रीजन क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का? कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गए बिकॉज ऑफ द राइज इन सी लेवल। आइस एज के टाइम पे टेम्परेट लैटिट्यूड में आइस मेल्ट होगी विच लेट टू रेज द सी लेवल। सेकेंड रीजन इज वेव इरोजन, लैंड इज बींग इरोडेड बाय द सी एज यू सी इन दिस फिगर नंबर टू। सर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये इरोजन होती रही, समुद्र इसकी इरोजन करता रहा और जिससे क्या हुआ कि पानी बढ़ता रहा और ये मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गई। ये इरोजन देख रहे हो सी कर रहा है, इधर से इसको काट रहा है और ये क्या बन गई? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गई। ड्यू टू वेव इरोजन लैंड इज बींग इरोडेड बाय द सी। द थर्ड वन इज डिपोजिशन बाय लैंड डिराइव्ड और रिवर बोर्न मटीरियल ऑन द ऑफशोर टेरेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे रिवर्स आई पहाड़ों को, चट्टानों को, रॉक्स को काट कर आई, ठीक है, तो उसने यहाँ पे मटेरियल जो था कंकड़ पत्थर वगैरह वो सब डिपोजिट कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया? एक शेल्फ बन गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गई, ठीक है।
तो तीन रीजन है सर। पहला रीजन क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का, कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गए। कॉन्टिनेंट सबमर्ज क्यों है, क्योंकि सर आइस एज के टाइम पे टेम्परेट लैटिट्यूड्स में जो आपकी आइस थी वो मेल्ट हो गई, जिससे सी लेवल राइज अप हो गया। पहला रीजन। दूसरा रीजन सर वेव इरोजन। वेव जो समुद्र की वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, ठीक है, उन्होंने कॉन्टिनेंट को इरोड किया, जिस वजह से यहाँ पे क्या बन गई सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये ओरिजिनल प्रोफाइल थी, ये डॉट डॉट करके दिख रही है आपको, रेड कलर की डॉट डॉट बना रखी है, ये ओरिजिनल प्रोफाइल ऐसे थी, लेकिन इरोजन होने के बाद ये गैप आ गया और ये क्या बन गई सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। थर्ड रीजन इज डिपोजिशन ऑफ लैंड डिराइव्ड और रिवर बॉर्न मटीरियल ऑन द ऑफशोर टेरेस। ओके, लैंड डिराइव्ड और रिवर बॉर्न मटीरियल ऑन द ऑफशोर टेरेस, मतलब कि नदियां आई, उन्होंने कंकड़ पत्थर वगैरह सब यहाँ बिछा दिए और एक क्या बन गई शेल्फ बन गई। तीन रीजन याद रहेंगे, सबसे पहली जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो आपको मिलेगा समुद्र में जाते ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां से आपने धक्का देना है अपने दोस्त को, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, दे मत देना भाई, ठीक है। सबसे पहले शेल्फ मिले, सबसे पहला प्लेटफॉर्म मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तीन कारण है सर होने के, पहला कॉन्टिनेंटल सबमर्ज हो गया, दूसरा वेव इरोजन और तीसरा डिपोजिशन। तीन रीजन याद रखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं। हाँ, उसके बाद सर सिग्निफिकेंस क्या है सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं, अब कोई भी चीज पढ़ते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होती है, मतलब क्या इसकी जीवन में क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है कि इट्स शैलोनेस, मतलब कि इतना गहरा नहीं है, शैलो मतलब कि कम गहरा, ठीक है। इट्स शैलोनेस इनेबल द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू वाटर, ठीक है, सूरज की रोशनी सर जाएगी सर यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है यानी जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ होगी सर, एग्जाम्पल प्लैंकटन, और प्लैंकटन कौन खाते हैं सर, मछलियां खाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं सर, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ ड्यू टू शैलोनेस ऑफ वाटर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आपको फुल फॉर्म अभी पूरा लॉन्ग टर्म में भी बताऊंगा। जैसे कि लिखा हुआ है दैट शैलोनेस ऑफ वाटर इनेबल द सनलाइट, ठीक है, इट इनेबल द सनलाइट टू मेक फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच लेड टू लाइक प्लैंकटन ग्रोस, एंड प्लैंकटन कौन खाएगा सर, फिश खाएगी, ठीक है। शैलोनेस इनेबल द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू वाटर एंड इट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ मिनट प्लांट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which is rich in plankton on which fishes thrives, ठीक है, ये microscopic organisms हैं, ये plankton rich हैं, ठीक है, जिसके ऊपर fishes जो हैं वो अपना भोजन कर सकते हैं, ठीक है। It is the richest fishing grounds in the world, आपने कभी देखा भी होगा यार, अपने घर के आसपास कोई अगर river होगी आपने उसमें देखा होगा कि जो continental shelf होती है ना, आप जब उनको आटा फेंकते हो मछलियों को, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर आती है, continental shelf पे आती हैं वो, ठीक है, कभी देखा होगा, कभी आटा फेंकोगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आएंगी, ठीक है, तो वही कह रहा है इट इज द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है सर दूसरा, लिमिटेड डेप्थ एंड जेंटल स्लोप कीप आउट द कोल्ड अंडरकरंट्स एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ टाइड्स विच लेड टू इंक्रीज द पावर, ठीक है। वो कहता है कि एक तो कोल्ड करंट्स नहीं आएगा भाई, ठीक है, लिमिटेड डेप्थ है ना ये, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से टाइड्स की हाइट इंक्रीज होगी, जिससे हमारे को पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी में यूटिलाइज करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। दो सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस है कि शैलोनेस की वजह से यानी कम गहराई होने की वजह से सनलाइट इजिली पानी में पेनिट्रेट कर पाएगी, जिस वजह से ग्रोथ होगी सर प्लांट्स की, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि रिच इन प्लैंकटन है और जिन पे फिशेस थ्राइव करेंगी। और ये सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा रीजन क्या है कि लिमिटेड डेप्थ होने की वजह से कोल्ड करंट्स वहां पे नहीं होंगे, और इससे क्या होगा टाइड्स की हाइट बढ़ जाती है। आपको एक सरफेस मिल गया ना टाइड्स को लहरों को एक सरफेस मिल गया, जिससे क्या होगा टाइड की हाइट बढ़ेगी ऐसे, ठीक है, टाइड की हाइट बढ़ेगी और जिससे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पावर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ओके, दो सिग्निफिकेंस है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सर, उसके बाद आते हैं सर कॉन्टिनेंटल स्लोप।
कॉन्टिनेंटल स्लोप याद था, अभी आपको मैंने डायग्राम बनवाया था, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है सर, और ये है सर स्लोप, मतलब ये हल्का सा जो कर्व दिख रहा है आपको, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है वो तो है एज, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल एज, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ देन एज देन स्लोप। ये डायग्राम रट लेना भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, डायग्राम के बीच में ही ना इसी तरह अमेंडमेंट करके बना देना, जैसे शेल्फ बनाई, यहाँ पे एक साइड में थोड़ी सी छोटी सी मछली बना दी, ठीक है, छोटी सी मछली बना दी, सूरज बना दी, यहाँ पे सूरज बना दिया, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स बना दिए क्योंकि ग्रोथ हो रही है, मछलियां खा रही है, रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बन गए, ओके, वो बना दी, लहर सी बना दी इस तरह से कि टाइट, और साथ में वो बना दिया टर्बाइन इंजन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ओके। उसके बाद आता है सर कॉन्टिनेंटल स्लोप एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी किस पर है ये, एज के ऊपर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, ठीक है, देर इज एन एब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट, वो कहते हैं एकदम से वो जो चेंज होता है, ठीक है, ग्रेडियंट मतलब कि उसकी जो प्लेन है उसमें जो चेंज हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका कोई खास वो नहीं है, यूज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन कॉन्टिनेंटल एज, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप। जब वो कह रहा है एकदम से अब्रप्ट जो चेंज होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप इज एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड देर इज एन एब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ओके। उसके बाद आता है सर डीप सी प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन आ रहा है ना, ये जो प्लेन आ रहा है, ये आपको इसमें लिखा दें, ये जो प्लेन है डीप सी प्लेन, ठीक है, ये क्या सर, अंडुलेटिंग प्लेन होता है, अंडुलेटिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, अंडुलेटिंग प्लेन लाइन 2-3 miles बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 2-3 miles नीचे। गुड आफ्टरनून मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अभी आए हो क्या आप, एकदम से आती हालचाल, है जी देवी जी, देवी जी का लग रहा है संपर्क टूट चुका है हमारे से, एकदम से नाम आया ना तमन्ना, एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी साली का नाम तमन्ना है, मुझे लगा कहीं वो तो नहीं आ गई। एनीवेज कम टू द टॉपिक, डीप सी प्लेन, एकदम से बच्चे कहां से आते हैं एकदम से, सर ठीक हो आप, अरे लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक ही होऊंगा, जाहिर सी बात है, नशा वशा तो करके नहीं बैठा। अच्छा सर, अच्छा आ गई देवी जी, आ गई, मुझे लगा कि शायद नहीं आई, अच्छा हुआ टाइम से आ गई, नहीं तो मैं और सर को सभी कितने आ जाते हैं, अरे यार उस क्या बताएं आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम टू द टॉपिक, हाँ इट्स लाइक धप्पा, सीरियसली इट्स लाइक धप्पा, कम टू द टॉपिक यार, हाँ तो डीप सी प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, इट्स अ अंडुलेटिंग प्लेन, अंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़, मतलब जो लेवल्ड ना हो, इट इज लाइंग 2-3 miles बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 2-3 miles नीचे होता है सर, इट कवरिंग 2/3 ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है, 2/3 जो ओशन फ्लोर है कवर करके रखता है, ऑल्सो नोन है एबिसल प्लेन, इसको एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा एबिसल प्लेन किसका फीचर है, द आंसर इज ओशियन का फीचर है, ठीक है, इट्स अ डीप सी प्लेन, ओके, इट हैज एक्सटेंसिव सबमरीन लाइक प्लेट्यूज, रिजीज, ट्रेंचेस, बेसिन्स, ओशियनिक आइलैंड विच राइज अबव द सी लेवल इन द मिडेस्ट ऑफ द ओशियन। वो कहते हैं कि एबिसल प्लेन में ये जो भूमि है ना, ये समुद्र की भूमि है, इसको एबिसल प्लेन बोलते हैं, पूरे को उबड़ खाबड़ है ना, ये कहीं से गहरा है, कहीं से उठा हुआ है, ठीक है, इसको पूरे को एबिसल प्लेन बोलते हैं, याद रखेंगे। इट हैज एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यूज, रिजेस, ट्रेंचेस, बेसिन्स एंड ओशियनिक आइलैंड, ठीक है, विच राइज अबव द सी लेवल इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियन। उसके बाद आती है सर आपकी ओशियन डीप्स, ओशियन डीप यानी ये जो गहराई आई है ना, जो मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह से इसको बोलते हैं ओशियन डीप्स, और या इसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंच, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग और नैरो ट्रेंचेस, ठीक है, ट्रेंच मीन्स गहराई वाली चीज को ट्रेंच बोलते हैं, ओके,
मोस्टली नॉट लोकेटेड इन द मिडस्ट ऑफ ओशन, जो कि जनरली ओशन के बीचों बीच नहीं होती, बट इट मोस्टली फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन. एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाइट है इसकी, ये 36,000 फीट डीप है. याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है, एनीवन? माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है, कितने मीटर हाइट है? 8,000. कितनी? बिना देखे यार प्लीज. 8,848.86. अरे पाजी क्या बात है पाजी, छागे 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 यार, छागे यार छागे, इतना खतरनाक डेसिमल में. अरे पाजी, पाजी ने तो ऐसा करके दिखाया, पाजी नाप के हैं पूरी. जबरदस्त यार, जबरदस्त. वगैरह 9,000 के पास नहीं यार, प्रिसाइज बताना होता. एनीवेज कम टू द टॉपिक. लॉन्ग और नैरो ट्रेंचेस होती हैं सर, मोस्टली नॉट लोकेटेड इन द मिडस्ट ऑफ ओशन. इट इज फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन के पास. एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच, जो कि 36,000 फीट डूंगी है. ओके, ओशियनिक ट्रेंच, ओशियन ट्रेंच आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन हाइट्स देन हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द लैंड. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई है, जैसे लिखा ना, ओशियनिक ट्रेंचेस आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन लैंड. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सर. ओशियन डीप्स हो गया ये, आपको सर डायग्राम थोड़ा सा महंगे वाला डायग्राम हम दिखा देते हैं. ये सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट खत्म हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुई. ठीक है, क्योंकि छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हीरोइन चलती है और यहाँ पे आके गिरेगी. कहाँ से? कॉन्टिनेंटल स्लोप पे आके गिरेगी नीचे आके. उसके बाद ये सारा एबिसल प्लेन आता है सर, इस पे प्लेट्यूज हैं, ट्रेंचीज हैं, प्लेट्यूज हैं. ठीक है, इसको सारे को एबिसल प्लेन बोलते हैं पूरे को. और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज चले, एबिसल प्लेन इज व्हाट बेसिकली एन अंडुलेटिंग लैंड, उबड़ खाबड़ ये जो बनी हुई है सारी, ठीक है, उसको एबिसल प्लेन बोलते हैं. और ये जो गहराई वाली आती है, इसको ओशियन डीप बोलते हैं या फिर ओशियनिक ट्रेंच बोलते हैं. ट्रेंच याद रखेंगे, इसकी हाइट आपकी जितने भी हाईएस्ट माउंटेन्स हैं धरती के ऊपर, ठीक है, उन सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा होती है. ओके, उसके बाद ये है सर वोल्केनिक आइलैंड, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे. और ये है सबमरीन रिजिस, ये छोटी छोटी मतलब रिलीफ स्ट्रक्चर. ओके, आगे चलते हैं सर. हाँ, उसके बाद बारी आती है सर ओशियनिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशियन फ्लोर. ओशियनिक डिपॉजिट्स मतलब कि ओशियन में भी जो डिपॉजिट्स हुए हैं, उस वो भी अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, जो मिट्टी वगैरह पाई जाती है, ठीक है, वो भी अलग अलग तरह के हैं. वो किस किस से ड्राइव हुए हैं वो देखते हैं. ओशियनिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशियन फ्लोर, दीज मटीरियल्स आर इरोडेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ द्वारा, अर्थ पे जो इरोजन हुई है उसी को ही जो रिवर वगैरह लेके आई है उसके, which are not deposited by the rivers or the coast are eventually dropped on ocean floor. मतलब कि जो rivers में नहीं deposit होके, मतलब rivers ने जो किसमें deposit कर दिया, सीधा ocean में deposit कर दिया. Materials eroded from the earth which are not deposited by the rivers or the coast or at the coast, ठीक है, ना ही rivers में deposit हुए ना ही वो coast पर हुए, but are eventually dropped on the ocean floor. लेकिन वो सीधे कहाँ drop हुए? जाके ओशियन फ्लोर में डिपॉजिट हुए, यानी समुद्र में डिपॉजिट हुए. ओके, तो काफी सारे ओशियन डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्लास शुरू हुई थी तब भी बताया था, मड्स, ऊजेस और क्लेस. ठीक है, मड्स, मड्स आर बेसिकली टेरिजीनियस डिपॉजिट. टेरी वर्ड कहां से लिया गया? टेर वर्ड टेकन फ्रॉम टेरेस्ट्रियल. ठीक है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, रिलेटेड टू लैंड. ओके, मड्स आर बेसिकली टेरिजीनियस डिपॉजिट, दैट इज रिलेटेड टू लैंड डिपॉजिट. ठीक है, because it is derived from land, mainly deposit on the continental shelf. generally किस पे deposit होते हैं? continental shelf पे deposit होते हैं. continental shelf कौन सी? सबसे पहला platform है आपका समुद्र में घुसते ही, ये वाला. ठीक है, ये है सर आपको continental shelf. okay, blue green red muds, their coloring is depend upon the chemical content. ठीक है, कहते हैं इनकी जो coloring है वो depend करता है इसमें chemical content कौन सा है. ठीक है, अगर रेड, लाल मिट्टी किस वजह से लाल होती है? एनीवन अपने पढ़ाओ, शायद मैंने सॉइल्स पढ़ाई थी आपको, आयरन की वजह से. वेरी गुड, नॉट आयरन की वजह से, एक्चुअली आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है. ओके, ध्यान रहेगा.
हाँ फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड एक ही बात है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड आयरन होता है सर, धूप, अब बिना उसको पेंट किए ऐसे ही हवा में रख दो, ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद क्या देखोगे, उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से, उसकी क्या ऑक्सीडेशन की वजह से वो क्या हो गया, रेड कलर का हो जाता है, जिसको जंग बोलते हैं ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है, उसको रस्टिंग बोलते हैं, इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं। वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, यानी जंग लग गया, गॉट दैट, ओके। तो वही वो कह रहा है कि ब्लू ग्रीन रेड मर्ड्स देयर कलरिंग इज डिपेंड अपॉन द केमिकल, उसमें कौन सा केमिकल कंटेंट है, ओके। सो मर्ड्स आर बेसिकली टेरिजिनियस डिपॉजिट्स बिकॉज दे डिराइव फ्रॉम द लैंड, मेनली डिपॉजिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ब्लू ग्रीन रेड मर्ड्स देयर कलरिंग इज डिपेंड अपॉन द केमिकल कॉन्टेंट, ओके। उसके बाद आते हैं सर ऊजेस। ऊजेस आर बेसिकली अ पेलाजिक डिपॉजिट्स। पेलाजिक केम फ्रॉम द वर्ड पिलाजोस, ठीक है, लड़कियों वाले प्लाजोस की बात नहीं कर रहे, दैट इज वो अलग चीज है, ठीक है, ये पिलाजोस है। पिलाजोस मीन्स सी, समुद्र, ओके। वो पता है ना, वो लड़कियां पहनती है, वो नीचे इतना सा खुला होता है, बीच में डंडी जैसी टांग होती है और इतना बड़ा नीचे से खुला होता है, ठीक है, अच्छे खासे पहलवान की मतलब वो एक तरह से टाइट फिट जीन्स बन जाए, लड़कियों को पता होगा प्लाजोस के बारे में। तो ऊजेज आर बेसिकली आर पिलाजिक डिपॉजिट्स, पिलाजिस केम फ्रॉम द वर्ड पिलाजोस। आजो 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 इधर आजो यार, किसकी मैम ने पहना था शादी में, आजो आजो आजो। ऊजेज आर बेसिकली आर पिलाजिक डिपॉजिट्स, ठीक है, पिलाजिक, पिलाजोस, पिलाजोस मीन सी, ठीक है, पिलाजोस केम फ्रॉम द वर्ड सी। पिलाजिस, पिलाजिक डिपॉजिट्स बेसिकली दे डिराइव, these deposits are derived from oceans, okay, and made of shelly and skeletal remains of the marine microorganisms. सर जो छोटे मैंने आपको बताया कि समुद्र में सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि आपके कोरल रीफ्स वगैरह, उनके स्केल्टन से बने होते हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट्स विद कैल्सीरियस और सिलिशियस पार्ट्स, ठीक है, वही जो उनका शेल होता है कोरल रीफ वाला, ठीक है, कोरल्स का जो शेल होता है मरने के बाद, वो लाइम स्केल्टन वाली बॉडी होती है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊजर्स बोलते हैं। बेसिकली यार पेलाजिक डिपॉजिट जो ओशियन में से ही बनते हैं, ओके, वो क्योंकि होते हैं, वो जानवरों के होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कोरल रीफ होगी और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पॉलिप्स वगैरह, ये सब इनका कैल्सीरियस और सिलिशियस पार्ट होता है, ओके। उसके बाद आती है सर आपकी क्ले, क्ले रेड क्ले बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट। आपसे पूछ लेगा कि रेड क्ले ओशन में मिलती है, मिलती है, ये किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक जो आपका ज्वालामुखी होता है उसकी डस्ट की बनी होती है, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज रेड, ओके। इट इज ब्लोन आउट फ्रॉम वोल्केनोस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, ओके, अकर इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन बेसिन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आपके जो मड्स होंगी ये आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगी, और क्ले जो मिलेगी ये आपको डीपर पार्ट में मिलेगी, ठीक है, ओशन ऊजेज आपको मतलब बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास नहीं मिलेंगे, और लास्ट में आपको क्ले मिलेगी। तो याद रखेंगे मड्स टेरिजिनियस डिपॉजिट, टेरिजिनियस भी डिराइव फ्रॉम लैंड, मेनली डिपॉजिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ब्लू ग्रीन रेड मड, देयर कलरिंग इज डिपेंड अपॉन द केमिकल कंटेंट, एंड ऊजेज आर पेलाजिक डिपॉजिट्स व्हिच डिराइव फ्रॉम द ओशियंस एंड मेड ऑफ शेली and skeletal remains of the marine organism with calcareous and siliceous parts, and clay like red clay, ये red इस वजह से होती है because of the accumulation of volcanic dust, ठीक है, ज्वालामुखी की जो राख बचती है उसकी वजह से होती है, which is blown out from volcanoes during volcanic eruption, जब volcanic eruption होती है, ठीक है, तो उस वजह से जो राख होती है उसकी वजह से जो deposition होती है ये बनती है, उसकी वजह से रेड क्ले बनती है, ठीक है, अकर इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन बेसिन, ठीक है, ये हो गए सर ओशियनिक डिपॉजिट्स। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, इतना सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ठीक है।
एक बार रिकैप कर लेते हैं, बीच में कोई भी डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना। सबसे पहले आज का चैप्टर है ओशन। ओशन में हमने क्या पढ़ा सर, 70% से ज्यादा अर्थ का सरफेस पे ओशियन है, ठीक है। ओशियन आपको कौन सी क्रस्ट में मिलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट में मिलेंगे। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के फर्द 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट पे आपको ओशियंस मिलेंगे। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस विच इज अ सोर्स ऑफ फूड लाइक फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, साल्ट एंड अदर मैराइन फूड स्टफ्स, ठीक है। झींगे, केंचुए, प्रॉन्स, ठीक है, ये सब। टाइड्स हार्नेस्ड टू प्रोवाइड द पावर। टाइड्स को हार्नेस किया जाता है जिस जो कि क्या प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओशियनोग्राफी इज अ साइंस ऑफ ओशियंस। रिडार साउंडिंग और इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं, टू फाइंड द प्रिसाइज डेप्थ की, डेप्थ कितनी है ओशियन फ्लोर की, गहराई कितनी है भैया, अंदर कूद सकते हैं कि नहीं कूद सकते, कहीं ज्यादा गहराई हो पता चले हम ज्यादा गहराई में चले गए और ऊपर टपक गए, ठीक है। और ओशियनिक डिपोजिट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ऊजेस, मड्स और क्ले। क्ले कौन सी बताई है आपको मैंने, रेड क्ले, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है द रिलीफ ऑफ द ओशियन, यानी ओशियन में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिलीफ कैसी होती है, वो कहते हैं इट इज सिमिलर टू द लैंड सर्फेस, जैसे लैंड पे होती है वैसे ओशियन में होती है, जैसे कि सब मैरिन रिजेस, प्लेट्यूज, कैनियंस, प्लेन्स और ट्रेंचेस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है बेसिकली, ये सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की ही फर्दर सीवर्ड एक्सटेंशन है फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज। शैलो प्लेटफॉर्म, इट्स विड्थ इज वेरी ग्रेटली, ठीक है, मतलब कहीं पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। जहां पे वेयर कोस्ट्स आर एक्सट्रीमली माउंटेनियस, जैसे कि रॉकी माउंटेन, इंडियन माउंटेन, देयर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर इंटायरली एब्सेंट। वो कह रहा है कि जहां पे माउंटेनियस कोस्ट है ना, ठीक है, वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल एब्सेंट होगी, याद रखना ये बात, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स व्हाई आई मार्क्ड स्टार हियर, ओके। इट्स फॉर्मेशन इज बाय 3 रीजन, 3 रीजन है सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने के। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गया। कॉन्टिनेंट सबमर्ज क्यों हुआ सर, आइस एज के टाइम पे टेम्परेट लैटिट्यूड में बर्फ पिंगली, ठीक है, आइस पिंगली, और जिससे क्या हुआ, सी लेवल जो था वो आपका राइज हो गया और कॉन्टिनेंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सा रीजन ये समझ आता है। दूसरा रीजन क्या आता है सर, वेव इरोजन। दूसरे फिगर में आप देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल प्रोफाइल थी, ठीक है, ये जो डॉट डॉट करके ये ओरिजिनल प्रोफाइल थी, जब ये इरोड होगी तो इसका ये शेल्फ बन गया, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा बन गया, ठीक है। तीसरा इज अ डिपोजिशन ऑफ लैंड डिराइव्ड और रिवर बॉर्न मटेरियल ऑन द ऑफशोर टेरेस। जैसे कि आप देख सकते हो डिपोजिशन की होने की वजह से एक क्या बन गया, शेल्फ बन गया या प्लेटफॉर्म बन गया, ओके। तो 3 रीजन, ड्यू टू कॉन्टिनेंट सबमर्ज, द सेकंड रीजन इज वेव इरोजन एंड द थर्ड रीजन इज डिपोजिशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आया सर आपका कॉन्टिनेंट, सॉरी इसकी सिग्निफिकेंस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सिग्निफिकेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस सर, शैलोनेस की वजह से सनलाइट इजिली पेनिट्रेट करेगी, सनलाइट इजिली पेनिट्रेट करेगी जिससे फोटोसिंथेसिस होगी, जिससे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु है वो सर पैदा होंगे, ठीक है। रिच विच आर रिच इन प्लैंकटन, और जो कि फिशेस जो है उनको खाएंगी, ठीक है, और उनके लिए एक तरह से फूड का काम करेगा, और जब फिशेस खाएंगी तो हम फिशेस को खाएंगे। विच इज द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड, तो यू कैन से कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड डेप्थ एंड जेंटल स्लोप कीप आउट द कोल्ड वाटर करंट एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ टाइड्स, ठीक है। एक तो हाइट, टाइड्स की हाइट इंक्रीज करेंगे जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पावर और ज्यादा जनरेट होगी, और दूसरा कोल्ड करंट नहीं आएंगे यहाँ पे, तो 2 सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आता है सर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट। जैसा कि आप देख सकते हो सर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसके बाद एकदम से जो अब्रप्ट चेंज हुआ है सर, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओके। उसके बाद आता है सर डीप सी प्लेन, जो कि अंडुलेटिंग प्लेन है सर, इसको एबिसल प्लेन भी बोलते हैं। ये 2-3 miles नीचे होता है सर, इट कवरिंग द 2/3 ऑफ द ओशियनिक फ्लोर। इट हैज एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यूज, रिजेस, ट्रेंचेस, बेसिन, ओशियनिक आइलैंड व्हिच राइज अबव द सी लेवल इन द मिडस्ट ऑफ ओशियन। द नेक्स्ट इज ओशियन डीप ट्रेंचेस, लॉन्ग एंड नैरो ट्रेंचेस, मोस्टली नॉट लोकेटेड इन द मिडस्ट ऑफ ओशियन, ठीक है, मोस्टली फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशियन। एग्जाम्पल मेरियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट कितनी है, गहराई कितनी है, मोर देन 36,000 फीट डीप। ये देखिए सर,
36,000 फीट से भी ज्यादा गहरी है, ठीक है। एंड ओशियनिक ट्रेंचेस आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन लैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसकी हाइट आपकी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ओके क्वेश्चन, ये आप डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन एबिसल प्लेन, दिस इज द वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड की जो ऐश बचेगी, ये जो गिरेगी उससे क्या बनेगी, रेड क्ले बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि ओशियनिक डिपॉजिट्स के बारे में। ओशियनिक डिपॉजिट जनरली क्या है, डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, कि कोई मटेरियल कहीं से इरोड हुआ है तब जाके डिपॉजिट हुआ, जाहिर सी बात है ना, पैसे डिपॉजिट कराते हो आप, वो पैसे कहीं ना कहीं से इरोड किए हैं ना आपने, आपको घर से मिले हैं वो पैसे, या आपकी जॉब से मिले हैं, आपके बिजनेस से मिले हैं, वो इरोड होके कहाँ डिपॉजिट कराते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हो, ठीक है। तो ओशियनिक डिपॉजिट्स भी क्या हुए, दीज आर द मटेरियल्स इरोडेड फ्रॉम द अर्थ विच आर नॉट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स और एट द कोस्ट, कहता है जो कि रिवर ने, रिवर के बीच में डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी रिवर फ्लो, रिवर का जो बेसिन है उस पे डिपॉजिट ना होके, ना ही कोस्ट पे डिपॉजिट हुआ, और वो कहां ड्रॉप हो गया, वो सीधा ओशियन फ्लोर पे डिपॉजिट हुआ, उसको बोलेंगे ओशियनिक डिपॉजिट, ठीक है। ओशियनिक डिपॉजिट तीन तरह के, पहला है मड्स, मड्स आर बेसिकली टेरिजिनियस डिपॉजिट, टेरिजिनियस केम फ्रॉम द वर्ड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड, दैट इज दीज डिपॉजिट्स आर डिराइव फ्रॉम लैंड, लैंड से डिराइव हुए हैं, mainly deposit on the continental shelf, blue, green, green, red muds, their coloring is dependent upon the chemical content. उसके बाद आता है oozes, oozes are basically a pelagic deposit, pelagic came from the word pelagos, जो सी पहनती हैं देवियां, वो वाला नहीं है, ठीक है, pelagos means sea, it is derived from oceans, made of shelly skeletal remains of the marine microorganism with calcareous and siliceous parts. ठीक है, कैल्शियम होता है, CaCO3 होता है टू बी वेरी प्रिसाइज, और सिलिका कंटेंट होता है, ओके, क्लेज भी होती है, ठीक है, ओशियनिक डिपॉजिट में, जैसे कि रेड क्ले, रेड उसका कलर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट ब्लोन आउट फ्रॉम वोल्केनोस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड अकर इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन बेसिन, ये याद रखेंगे, बिल्कुल गहराई में होते हैं, ठीक है, कौन सा क्ले, रेड क्ले, मड्स होती है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, ऊजेस बीच में ही होते हैं, ओके। उसके बाद बारी आती है सर सैलिनिटी ऑफ द ओशन, इसमें कुछ ना समझ आयो पहले बताओ, आगे चलें सैलिनिटी की तरफ, खारेपन की तरफ, जो समुद्र में खारापन कौन सा कितना होता है, ये पढ़ लिया तो बताओ, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक कौन सा है इंडिया में, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक कौन सा है इंडिया में, बिना देखे बिना टेपे, वेरी गुड यार अनिकेत, नए नए बच्चों के नाम याद आ रहे हैं, अनिकेत, लेक छिलका, वेरी गुड, सेलाइन वाटर लेक, ओके, सेलाइन वाटर यानी उसमें खारापन है इसलिए उसको सेलाइन वाटर लेक बोला जाता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वन मोर लेक named as Sambar Lake in India, okay. That is also a saline water lake, okay. तो salinity of the ocean के बारे में हम लोग discuss करेंगे। Sea water यानी समुद्र के पानी में more than 77% तो होता है सर sodium chloride यानी NaCl, ठीक है। बाकी होता है सर magnesium, calcium और potassium, और जो बाकी का बच जाता है वो बहुत ही कम quantity में होता है, and the rest in very minute quantities, ठीक है। Salinity of the ocean means sea water has more than 77% of sodium chloride, magnesium, calcium or potassium, ठीक है। Due to free movement of ocean water, ठीक है, पानी बहता रहता है continuously, ठीक है। The proportion of different salts remain constant in all oceans, even to great depth. वो कहता है कि पानी की movement एक सी रहती है, ठीक है, जिस वजह से जो salt का proportion होता है, यानी जो समुद्र में खारापन होता है ये जनरली कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सभी समुद्रों में, ठीक है, इवन इट टू द ग्रेट डेप्थ, इवन कि आप डेप्थ में भी अगर आप उसका साल्ट कंटेंट मेजर करोगे कितने पार्ट्स पर मिनट उसका साल्ट कंटेंट है तो वो आपको सेम ही मिलेगा, याद रखेंगे ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी स्टार मार्क किया हुआ, ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साल्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इन ऑल ओशियंस एंड इवन इट टू द ग्रेटर डेप्थ। द सेकंड थिंग इज सैलिनिटी होती क्या है सर, सैलिनिटी मींस अ डिग्री ऑफ सॉल्टनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी में कितनी
कितना खराब बना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आइदर इन परसेंटेज और पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिनट। परसेंटेज वाइज आप देख लो कितनी परसेंट पानी है, कितना परसेंट खारा बना, या फिर आप पार्ट्स पर मिनट। ओके, तो सी वाटर में क्या होता है, मोर देन 77% सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। सैलिनिटी मींस डिग्री ऑफ साल्टनेस ऑफ वाटर, इधर परसेंटेज और पीपीएम। उसके बाद आइसोहैलाइंस क्या होती है सर, मैप्स के ऊपर ना एक इस तरह के हाइपोथेटिकल लाइंस डाली होती हैं, ठीक है, वो हाइपोथेटिकल लाइंस, ठीक है, जो ज्वाइन करती हैं उन जगहों को जिनकी सैलिनिटी सेम है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोहैलाइन। आइसोहैलाइंस मींस अ लाइंस इन मैप्स विद ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी, जिनकी सैलिनिटी एकदम क्या है, सेम है। क्वेश्चन आया हुआ था आइसोहैलाइन के ऊपर, पेपर में पूछा हुआ था आइसोहैलाइन क्या होती है, दीज आर द लाइंस इन मैप्स ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। आपको मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, बताने वाले की फुल इज्जत, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, वेरी गुड, दीक्षा ने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखे हैं, हेलोफाइट्स, वेरी गुड, शिवम ने सही बताया, वेरी गुड, अमित, दीक्षा, वेरी गुड, ठीक है। तो आइसोहैलाइन क्या होती है, दीज आर द लाइंस ऑन द मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ओशियंस की, याद रखेंगे 35.2%, दैट इज 35 पार्ट्स ऑफ साल्ट इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर, जिसको ppm बोलते हैं, 35 ppm कह लो या 35.2% कह लो, ठीक है, 35 ppm means 35 पार्ट्स ऑफ साल्ट इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर, ओके। रेड सी, जो कि अफ्रीका के साइड में आपने देखा होगा, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट के इधर है, ठीक है, रेड सी हैज हाई सरफेस इवेपोरेशन, देयरफॉर हाई एवरेज सैलिनिटी, यानी 39%, जहां पे वेपोरेशन ज्यादा होगी वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, ये छोटा सा याद रख लो। रेड सी हाई सरफेस वेपोरेशन, दैट इज हाई एवरेज सैलिनिटी 39%, ठीक है। डेड सी की आपकी सैलिनिटी है 250%, लेक वैन की सैलिनिटी है आपकी 330%, ओके, कितनी ज्यादा है सैलिनिटी। जब डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ जाती है, व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, इट इज इम्पॉसिबल टू सिंक, दैट्स व्हाई बिगनर स्विमर फाइंड इट इजियर टू फ्लोट, ठीक है। वो कहते हैं कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी ना पानी की, डेंसिटी मतलब घनापन, जिसको सघन बोलते हैं हिंदी में। अब सपोज करो डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह है वहां पे है 5 पेड़, ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अब तो आपको डेंसिटी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एक जगह है वहां पे है सपोज करो 5 पेड़ है, ठीक है, और एक जगह वहां पे है सिर्फ 2 पेड़, तो डेंसिटी किस जगह ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है या उस जगह ज्यादा है, जहां 5 है ना, वेरी गुड। डेंसिटी यार आपने वो उसकी एड देखी होगी ना, शैम्पूस की एड आती है, शैम्पू की एड आती है, वो कहती है ना कि लड़की मेरे बाल घने हैं, घने और एक के बाल कम है, ठीक है, तो घने का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा हो, ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी पानी की कैसे ज्यादा होगी, जिसमें खारापन ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पे इट इज इम्पॉसिबल टू सिंक, डेंसिटी ऑफ वाटर जहां बहुत ज्यादा होगी वहां पे मतलब डूबना मुश्किल होगा, ठीक है, वहां पे इजिली डूब नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई बिगिनर स्विमर्स फाइंड इट इजियर टू फ्लोट, ठीक है, याद रखें। अच्छा डेंसिटी अलग होती है, विस्कोसिटी अलग होती है, याद रखेंगे। आपसे मैं पूछूं कि पानी और शहद में से विस्कस कौन है, आप अलग चीज बोल रहे हो मुस्कान, वो विस्कस होता है और वो डेंसिटी अलग अलग चीज है। हाँ हनी ज्यादा विस्कस है ना, विस्कस मीन्स थिकनेस किसकी ज्यादा है, क्लियर है। आजो आजो आजो, सारे शहद के पीछे पड़ गए। हाँ जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे डूबना मुश्किल होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई बिगिनर प्रेफर कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो वहीं पे स्विमिंग शुरुआत करें, ओके। तो एक बार कभी दिल करे तो पानी में छलांग मार के देख लेना, अगर तो बच गए समझ लेना उसकी डेंसिटी ज्यादा है, अगर मर गए समझ लेना भाई उसकी डेंसिटी कम थी।
प्लीज डोंट ट्राई दीज स्टंट्स, दीज स्टंट्स आर ओनली परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, कहीं कर जाके पता चले पानी में गिरे पड़े हो और नोट्स बना के ऐसे छोड़ दो। मैं पानी की डेंसिटी चेक करने जा रही हूँ और वहां पता चले हमारा नाम आ जाए। बॉयंट फोर्स भी होती है सर? हाँ बिल्कुल, बॉयंट फोर्स भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ो सर, बिल्कुल सही पकड़ो। अरे यार किसी ने ना यहाँ पे कुछ पंगा लिया है, इसमें ना एप्लीकेशन में कुछ पंगा लिया है, कुछ गड़बड़ी सी लग रही है मेरे को, मतलब पहले से कुछ बदला बदला सा लग रहा है। चलो एनीवेज, अच्छा आप सबने ये बुक खरीद ली है? आपने ये बुक खरीद ली है ना, जीसी लोंग और अटेंडेंस भी नहीं है, पता नहीं कुछ यार हुआ है इसमें गड़बड़ी ना, किसी ने, किसी को पता नहीं था कुछ, उसने कुछ। चलो एनीवेज, आपने बुक खरीद लिया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने बुक खरीद लिया? अच्छा बुक खरीद लिया, उसको खोला है बेटा? दूसरा सवाल, उसको खोला है सर? उसको खोलते हो मतलब थोड़ा सा ऐसा हल्की सी हवा सी लगी है उसको, थोड़ी सी किताब को लगी है, लगी है। अच्छा तीसरा सवाल सर, उसको पढ़ा है सर? वो मेरे खोल के बैठे हैं। अरे क्या बात है, रवीना टंडन जी का जवाब आया, खोल के बैठे हैं, वेरी गुड देवी जी। आप तो मतलब साथ के साथ डबल डबल रिवीजन चल रही हैं, इधर क्लास में भी चल रही है, उधर भी चल रही है, क्या बात। तो मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि जो यहाँ पे हो रहा है उसके बाद पढ़ते हो या पहले पढ़ते हो? मतलब कि यहाँ पे जो चैप्टर होता है उसके बाद पढ़ते हो उस चैप्टर को या बाद में पढ़ते हो? बाद में, पहले? ओके, ज्यादातर बाद वाले हैं, ठीक है। तो मतलब बाद में पढ़ने से थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आ रही है या थोड़ा पढ़ने में आसानी हो रही है या क्या क्या चीज हो रहा है, मतलब मेरे को प्लीज थोड़ा सा बताओगे? मतलब क्या कुछ हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट, बाद में आसानी हो रही है, इजी हो जाता है थोड़ा सा? तो नोट्स वैसे तो नहीं बना रहे जैसे वो पूरी किताब में वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं तो ज्यादातर यहाँ पॉइंट्स फॉर्म में लिखता हूँ, पहले भी और बाद में इजी हो जाता है, इजीली समझ आ रहा है। चलो ठीक है, सीरियसली पढ़ रहे हो ना यार, प्लीज ऐसे टाइम मत वेस्ट करना प्लीज, क्योंकि हाँ क्योंकि पता क्या चक्कर है, अभी जैसे सपोज करो आपने चैप्टर, सपोज मैंने यहाँ चैप्टर करा दिया तो एक बार दोबारा आप गो थ्रू हो जाओ पूरी बुक के, ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना इजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने आपके दिमाग में पहले मैंने डाल दिया है, एक डेढ़ घंटा जो भी हमारी क्लास होती है उसमें आप को पूरा चैप्टर ये डाल दिया मैंने दिमाग में। इसके बाद आप बुक पढ़ो, उसको रिवाइज करो और नोट्स यही वाले जो के तो फोटोस्टेट करवा लो या स्क्रीनशॉट लेके फोन में रखने या जैसे भी आपको सही लगता है, बट नोट्स जरूर बनाओ, इनको देखकर नोट्स बनाओ या इनको फोटोस्टेट करा लो, बट एक बार लिखो जरूर। हाँ आप पीडीएफ, अरे पाजी भेज दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो आप, पीडीएफ भेज दूंगा, बट आप इसको इसको लिख लो, अपने हाथ से लिखो और सेम इसी तरह बनाओ नोट्स, ठीक है यार। ये उसके इसके बाद भी मैं एक और जब ये खत्म हो जाएगा हमारा जीसी लोंग खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक दिन हमारी क्लास लगेगी उसमें पूरे 12 के 12 चैप्टर 4 घंटे के अंदर फटाफट क्विक रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, बनाते हो यही नोट्स, ठीक है। बस क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाओगे ना यार बड़ी समस्या आने वाली है प्लीज, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि साथ साथ नोट्स बनते रहे तो बेटर है, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा लैग कर जाओगे, बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो जाएगा, चैप्टर पे चैप्टर खत्म हो ही जा रहे हैं और आप पीछे रह जाओगे। एनीवेज कम टू द टॉपिक, उसके बाद आता है सर वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी इन वेरियस सीज और ओशियंस आर इफेक्टेड बाय। वो कहता है कि अलग अलग ओशियंस में, ठीक है, अलग अलग सीज में जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है, ठीक है, समुद्र में वो इफेक्ट होता है, ठीक है,
ठीक है, वो कैसे इफेक्ट होता है, मतलब किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, वो इफेक्ट कैसे होता है सर? वो एक पहला कारण है सर रेट ऑफ इवेपोरेशन। मैंने आपको बताया जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी वहां पे खारापन ज्यादा होगा, ये मंत्रा दिमाग में डाल लो। ठीक है, पहला वो कहता है 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ ट्रेड विंड्स होती हैं। ठीक है, जहां पे हाई सैलिनिटी मिलेगी आपको 20 से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी हाई, ये आरओई मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन जो कि बहुत ज्यादा हाई है, विच इज कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी की वजह से, यार ये ना मैं एक बार चेक करूंगा, सॉरी शायद यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी आना, आई विल चेक दिस थिंग, लो अभी चेक ही कर देते हैं एक सेकेंड। शायद गलत लिखा हुआ, शायद एक सेकेंड, लो ही है बुक में। अच्छा, बुक वाले ने तो नहीं गलत लिखा हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, लो ह्यूमिडिटी लिखा हुआ यार। एनीवेज सर आपके नोट्स, अच्छा लो ही है बुक में, ओके कोई नहीं सर, आपके नोट्स में कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे, कोई नहीं मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक बार आप खुद लिख लेना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कोई भी वर्ड नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आपको मैं जब पीडीएफ सेंड करूंगा ना, सपोज इन केस आपको इस स्लाइड में से कोई वर्ड नहीं समझ आता, ठीक है, आप मेरे को इस स्लाइड भेजो, आप मुझसे पूछो कि सर ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी यार लिखा हुआ है वैसे, इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है, बट चलो ठीक है। हाँ थोड़ा सा है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, एनी वेज थोड़ा सा पूछ लेना आप मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो कि होता है आपका 20 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स बेल्ट, ठीक है, वहां पे हाई सैलिनिटी होती है क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, किसकी वजह से, टेम्परेचर हाई की वजह से और लो ह्यूमिडिटी की वजह से, ये चीज ध्यान रखें। अब दूसरा कारण क्या होता है कि अलग अलग सैलिनिटी होती है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो कि किसके द्वारा आता है, प्रेसिपिटेशन यानी बरसात के कारण, स्ट्रीम्स के कारण जो झरने वरने होते हैं, या आइसबर्ग्स के कारण, ठीक है, जो बर्फ से पिघल के आते हैं, ठीक है, शीट्स आती हैं, आइस शीट्स जो पिघलती है, ठीक है। इक्वेटोरियल वाटर पे आपको पता ही है कि वहां पे हैवी रेनफॉल होती है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है और एकदम इवेपोरेशन से वहां पे बरसात आ जाती हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी वहां पे हाई होती है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे हाई होती है, दैट्स व्हाई सैलिनिटी यहाँ पे कम होगी, लेस देन 35%, ठीक है ना, इवेपोरेशन तो हो रही है लेकिन साथ साथ पानी बरसात भी हो रही है बार बार, ठीक है, हैवी रेनफॉल की वजह से वहां पे जो पानी का खारापन है वह कम होगा इक्वेटर पे, ठीक है, जैसे कि वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो कि ऐड कर देगा प्रेसिपिटेशन की वजह से, स्ट्रीम्स की वजह से या आइसबर्ग्स की वजह से, ठीक है। कोल्डर क्लाइमेट में लिटिल वेपोरेशन होती है, वहां पे भी लेस सैलिनिटी मिलेगी, याद रखना, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पे भी सैलिनिटी आपको कम मिलेगी, जहां पे कोल्डर क्लाइमेट होगा कम वेपोरेशन होगी वहां पे लेस सैलिनिटी मिलेगी, ये वाला तो आपको मंत्र याद है ना, हाई वेपोरेशन हाई सैलिनिटी, लेस वेपोरेशन लेस सैलिनिटी, ये याद रखना, ठीक है, ज्यादा बारिश आ गई वहां पे भी लेस सैलिनिटी, ठीक है, वहां पे कम बारिश आनी चाहिए, ठीक है ना, बारिश कम आनी चाहिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होनी चाहिए और बारिश कम आनी चाहिए, ठीक है, तभी सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो पहला कारण क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, दूसरा अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। उसके बाद आगे चलते हैं सर, चैप्टर बड़ा जबरदस्त है, अरे यार ये क्या हो गया इसको, स्लाइड को अरे यार ये स्लाइड कैसे होगी, हो अरे यार ये बीच में स्लाइड मिस हो गई, एक सेकेंड मैं देखता हूँ ये कैसे होगा,
जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, स्लाइड नंबर 9। ये एक्चुअली पूरी स्लाइड है, ये ऐसे क्यों नहीं आ रही यार, साइड में क्यों नहीं आ रही ये ओहो, बीच में रह गया ना। दो स्लाइड मिस हो गई। एनीवेज, इसके बाद हम लोग फिर कल करते हैं, ठीक है। ये बीच में स्लाइड मिस हो गई है, ठीक है, इसके बाद कल करते हैं। एनीवेज सॉरी फॉर दैट, इसके बाद कल करते हैं ये वाली स्लाइड ना, मैं सही करके दोबारा से, हाँ कल बताएंगे। एनीवेज हमने यहाँ तक कर लिया था विसल प्लेन तक, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़े थे ओशियनिक डिपॉजिट्स के बारे में, ये भी पढ़ लिया था, दोबारा रिवीजन भी कर ली थी। और फिर हम सैलिनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। सैलिनिटी बेसिकली क्या है, सी वाटर में मोर देन 77% सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, बाकी सब मिनट क्वांटिटीज में होता है, ठीक है। और वो कहता है कि जनरली ओशियन वाटर में, ठीक है, जो सैलिनिटी होती है वो लगभग सेम होती है, चाहे आप ऊपर की तरफ देखो या नीचे की तरफ देखो, ठीक है। सैलिनिटी बेसिकली होती है डिग्री ऑफ साल्टनेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में कितना खारापन है, या तो परसेंटेज में मेजर होता है या फिर ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिनट। आइसोहेलाइन क्या होती है सर, मैप्स के ऊपर लाइन बनी होती है, ठीक है, जो कि ज्वाइन करती है वो प्लेसेस जिनकी सैलिनिटी होती है इक्वल डिग्री पे, ओके। एवरेज सैलिनिटी ओशन की पूछ लेगा 35.2 है सर, दैट इज 35 पार्ट्स ऑफ साल्ट इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर। रेड सी में हाई वेपोरेशन होती है जिस वजह से उसकी हाई एवरेज सैलिनिटी है, जो कि 39% है। When density of water increases, it is impossible to sink. That's why beginner swimmer find it easier to float. Variation of salinity in various seas are affected by, जैसे कि rate of evaporation 20 से 30 degree, north और south पे high pressure belts होती है, वहाँ पे salinity high होगी। The reason being is rate of evaporation high है वहाँ पे, which is caused by high temperature and low humidity. And amount of fresh water is added by precipitation, streams, icebergs. जो fresh water बार बार पानी ज्यादा आता रहेगा तो उसका खारापन कम होता जाएगा। जैसे इक्वेटोरियल वाटर्स पे हैवी रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वहां पे सैलिनिटी कम है, याद रखना। लो ह्यूमिडिटी वाले पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, हाई ह्यूमिडिटी वाले पे सैलिनिटी कम होगी। कोल्डर क्लाइमेट में भी इवेपोरेशन जहाँ पे कम होगी वहां पे लेस सैलिनिटी होगी, ठीक है। यहाँ तक याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हमने ओशियन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में रिलीफ स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आई, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सिग्निफिकेंस पढ़े यानी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद स्लोप पढ़ा, देन डीप सी प्लेन, देन ओशियनिक डीप्स, ओके। उसके बाद हमने ओशियन डिपॉजिट्स पढ़े जैसे मर्ड्स, ऊजेस और क्लेज, और उसके बाद सैलिनिटी पढ़ी, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी का रिमेनिंग रह गया, थोड़ा सा ही रह गया, तो हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे, भोग पा देंगे इसका, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। और आपने मेरे को इस हफ्ते में यार एक क्लास देनी है, अब आप देख लो तुम्हारी क्लास कब फ्री होती है, तो कब मेरे को मौका मिलेगा तुम्हारी क्लास लेने का। किस दिन यार, शाम शुम को बताओ, तो किस दिन शाम को लें तुम्हारी क्लास, सैटरडे को या संडे को, तो तुम पता नहीं यार फ्री नहीं होते, क्या सीन है क्या नहीं, बच्चों के मैसेज आने लग जाते हैं संडे को क्लास का मोड बनाए तो। सैटरडे ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग, ये देख समझदार लोग, वैसे मॉर्निंग अच्छा, सैटरडे को मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं होती, सैटरडे को मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं होती, कब तक क्लास नहीं होती, कब तक नहीं होती पाजी, 2 बजे तक नहीं होती यहाँ, नहीं इवनिंग में तो यार मुश्किल हो जाएगा, शनिवार को दिन में करते हैं, सैटरडे को दिन में करते हैं, ये वाला हमारा खत्म करके हम लोग सैटरडे को दिन में करते हैं, ठीक है। एक दिन भाई मेरे को क्लास लेनी है तुम्हारी 5-6 घंटे, उस दिन मतलब पूरी हम लोग ये दोबारा 12 के 12 चैप्टर फटाफट एकदम फास्ट रिवीजन चलेगी, और पूरे आपको दोबारा से पानी की तरह रिवाइज करवा देना है। अब वो बताओ कब कब करवानी है, अब संडे दे दो यार मेरे को, कोई एक आधा संडे दे दो,
हाँ 5-6 घंटे होगी ना उसमें से, क्या कहते हैं,